हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगण, स्वागत है आपका बलबीर कोट्स चैनल में। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। लेकिन अगर आप सभी को ऐसी कथाएं पसंद है और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियां आपको अच्छी लगती है, सनातन धर्म के बारे में पसंद है, तो आप इस चैनल बलबीर को कोट सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हमारे जीवन में वह गोपाष्टमी का पर्व फिर से एक नया संदेश लेकर आया है। आज पावन दिवस गौ माता के पूजन का। यह गौ माता हमारी संस्कृति का एक विशेष स्तंभ है। जब तक हमने गौ माता को अपनाए रखा, तब तक हमारा धर्म जीवित है, क्योंकि धर्म गौ माता के पुत्र के रूप में, बैल के रूप में ही परिदर्शित किया जाता है। और यह गाय माता हम इसी माता इसलिए कहते हैं कि यह सदा सुखदायिनी है, सबको परम सुख देने वाली है। वो विश्वस्य मातरम और सिर्फ एक जाति विशेष के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए। इसका हृदय माँ के समान है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर स्थिति में सुख प्रदान करती है, वैसे ही गौ माता भी हर प्रकार से दूध घी दहीछा, जहाँ तक गौ माता का मल मूत्र भी बड़ा ही स्वास्थ्यदायक होता है। अन्य किसी जीव का मल मूत्र स्वास्थ्य वर्धक नहीं होता, पर गौ माता संपूर्ण रूप से इतनी पावन है। कहते हैं 33 करोड़ देवता गौ माता में वास करते हैं। आज वह पावन दिन आया है पूजा का। यह पूजा प्रारंभ की योगेश्वर श्री भगवान कृष्ण ने, जब वह 6 साल की अवस्था के थे, अपनी माता जी को जिद करके कहा, आज मैं गाय चराने जाऊंगा। माता ने कहा, तुम अभी छोटे हो, कहां मुझे जाना है। माता ने कहा, इनकी संभाल तुम कैसे करोगे। तब योगेश्वर भगवान कृष्ण कहने लगे, माँ यह तुम क्या कहती, मैं इनकी संभाल क्यों करूंगा, यहाँ वो माताएं मेरी संभाल करेंगे, मुझे घूमना है, देखना है। और आज जिद किया नटखट ने। पिताजी ने ब्राह्मण बुलाए, पूछा कौन सा मुहूर्त शुभ है। तब ऋषि ने कहा, जिस बेला में हम खड़े हैं वह बेला शुभ है। आज माता ने तिलक लगाया, भगवान को सिंगारा सजाया और अंदर गई, पैरों में पहनने के लिए खड़ाव लेकर आई। माता ने कहा, यह चांदी की खड़ाव है, पहनो, संभाल कर ले। श्री कृष्ण जी ने कहा, माँ जब मेरी माँ बिना खड़ाव के चलेगी तो यह योग्य नहीं कि मैं खड़ाव पहन के चलूं। माता ने कहा, क्या कहते हो। कहा, यह वो मेरी माता है, यह जब सब पैरों में चप्पल पहनकर चलेंगे, खड़ाव पहन कर चलेंगी, तब मुझे चप्पल पहनने का अधिकार है। और ऐसा जिद कर भगवान चप्पल छोड़कर नंगे पा। आज पहली बार वह कार्तिक शुक्ल पक्ष का पावन दिन गोपाष्टमी का, जब भगवान लेकर गए और गाय का चलाने गए। भगवान अपने साथ पहली बार नंद गांव में उत्सव होने लगा। सारे बाल सखा गए साथ में। शाम के समय जब लौटे, सबने गौ माता की पूजा की, सब बड़े प्रसन्न थे और इस उत्सव का प्रारंभ हुआ। आज यह उत्सव हमारे जीवन में आया है हमें संदेश लेकर, हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं है। हम आज गांव को एक साधारण जीव मान कर रह गए हैं, पर कहते हैं ब्राह्मणों से भी गौ उत्तम है। कहते हैं एक ब्राह्मण देवता जल में रहकर तपस्या कर रहे थे, महर्षोत्तम उनका नाम था। कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। एक दिन कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने गए और जैसे ही मछलियों को पकड़कर बाहर निकालने लगे तो जाल में महर्षि भी फंस गए। महर्षि जी को बड़ा दुख हुआ कि यह कैसे लोग हैं, अपने स्वागत सुख के लिए इन मछलियों को मारते हैं, और सोचने लगे क्या किया जाए।
तभी उस देश के राजा जो राजऋषि थे नाभाग, जिनका नाम था नाभाग, आए और मरीचि को प्रणाम किया। कहा, महाराज आप आज्ञा कीजिए, क्या हुक्म है मेरे लिए? कहा, तुम्हारी प्रजा में लोग दुखी हैं, तुम मेरे समान इनको कुछ दान दो। राजा नाभाग ने कहा, महाराज क्या दूं? आप कहें तो 100,000 स्वर्ण मुद्राएं दो। कहा, राजन इतना ही कहा, आज्ञा करें तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दंडु का। राजन तुम मेरा भी सही से मूल्य नहीं लगा पा रहे हो। राजन चिंतित हुए, तभी मैरिसे लोमश जी वहां से गुजरे और लोमश जी के चरणों में गिर के राजा नाभाग ने पूछा, महाराज आप इस दुविधा को समाप्त कीजिए। तब लोमश जी ने कहा, राजन ब्राह्मण से भी अधिक उत्तम वो होती है, तुम इनको 1 गो दान कर दो। और राजा ने 1 गो उन मछुआरों को दान दी, वह बड़े प्रसन्न हो गए। तब उन ऋषि ने जिन्होंने तपस्या की थी, उन्होंने कहा, राजन मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुमने मुझे प्रसन्न किया है और तुमने संसार के सामने प्रकट किया कि 1 गो का मूल्य ब्राह्मण से भी अधिक है। तुम्हारी सारी प्रजा मेरे तपस्या के बल से स्वर्ग को प्राप्त करेगी और उसी समय वह सब लोग स्वर्ग को जाने लगे। महर्षि अपने आश्रम पर चले आए तो इतनी महिमा शास्त्रों में गो की है जो रघुवंश, रघुकुल, शिरोमणि, राम जिसमें उत्पन्न हुए, उनके पूर्वज महाराजा दिलीप जिन्होंने अज्ञानवश माता कामधेनु का अपमान कर दिया था और माता कामधेनु ने शराप दिया कि जब तक तुम मेरी पुत्री की सेवा नहीं करोगे तुम्हें संतान नहीं होगी। राजा दिलीप ने बहुत उपाय किए, अंत में महर्षि वशिष्ठ के पास आए और महर्षि वशिष्ठ ने कहा, तुम नंदिनी की सेवा करो। नंदिनी की सेवा से राजा दिलीप को पुत्र की प्राप्ति हुई और रघुकुल का पुनः प्रारंभ हुआ, वंश आगे बढ़ा। इतनी हम सब पर, हमारी संस्कृति पर वो माता की कृपा रही है। शास्त्रों में वर्णन आया है, महर्षि जावाल जिन्होंने गह की सेवा करते करते ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ऐसी पावन गौ माता, और सिर्फ यह कहानियां ही नहीं, आज के युग में भी गौ माता का बड़ा प्रभाव है। हमारे पूज्य पुजारी श्री प्रताप लाल जी एक बड़ा ही सुंदर दृष्टा बताते हैं। कहते हैं, आज से 100-125 साल पहले एक कसाई एक गाय को खींचता लेके जा रहा था, तभी किसी हिंदू ने देखा और उसे रोका, तब वह माना नहीं। तब उस हिंदू भक्त को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में उसने उस कसाई को मार दिया। कहते हैं, मुकदमा हुआ, मुकदमा चला, अंग्रेजों की सरकार थी और फांसी मुकर की गई। अब फांसी जैसे चढ़ाई जा रही थी, उसे लटकाया जा रहा था। शास्त्रों में वर्णन है, जैसे ही उसे लटकाया जा रहा था पर उसे फांसी लगे ही नहीं। 3 बार प्रयास किया गया और 3 बार यह प्रयास निष्फल गया। तब उसे उतारा गया फांसी से और पूछा गया, जेलर ने पूछा, क्या बात है, तुम लटक क्यों नहीं रहे हो, क्या दिक्कत हो रही है? तब वह कहने लगा, महाराज मुझे तो फांसी चढ़ाई जा रही है, पर जैसे ही फांसी चढ़ाई जा रही है मैं यह महसूस कर रहा हूँ, मेरे चरणों के नीचे गौ माता के दो सिंह आ रहे हैं, वह मुझे बचा रहे हैं। जब यह बात सुनी गई तो उसे छोड़ दिया गया। तो ऐसी पावन गौ माता हर अवस्था में हमारी रक्षा करती है। और यह बातें सिर्फ धार्मिक नहीं, सैद्धांतिक वैज्ञानिक भी है। गौ का मूत्र इतना पावन है, अगर नियमित रूप से कोई सेवन करे अनेक व्याधियां उसकी दूर हो जाती है और वह माँ के समान कैसी है। कोई वास्तु दोष हो, अगर कोई सच्चे दिल से गौ माता की सेवा करे वास्तु दोष दूर हो जाता है। जिसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी हो, वह भाव से गह माता की सेवा करे उसे परमात्मा तत्व प्राप्त होता है। और मैंने तो कुछ समय पहले एक बात सुनी, कहा कोई सेठ जी थे, उन्हें भयंकर रोग हुआ, बहुत इलाज पूछे पर किसी ने कहा कुछ समय गांव में जाके रहिए और गाय की सेवा करिए,
वह गांव में गए और एक गाय ही सेवा प्रारंभ की और सुबह को गायों के साथ निकल जाए चलाने और शाम को जैसे ही आए उसका दूध निकलाए किसी से फिर दूध पिए अपने आप को दुग्ध वृत्ति बना दिया और एक महीने बाद जब रिपोर्ट आई तब पता चला कि उनके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार है। पता किया गया कैसे हुआ तो जांच करने वाले निकले तो देखा जो गौ माता है वह जब चरने जाती है तो उसका स्वभाव देखो। जब वह चरने गई तो उसने वही चारा ग्रहण किया जो अपने मालिक को जरूरी है, जिससे उसका मालिक ठीक हो सके, जिससे उसका संभालने वाला ठीक हो सके। वही चारा वह गौ माता खाकर आई। कितनी विचारणीय बात है, हमें जिस विषय में जानकारी नहीं वह गौ माता को उसकी समझ है क्योंकि वह प्रकृति का रूप है। राजा प्रथु ने गौ माता को ही दोहन किया था। जब शहर रत्न निकले सब पदार्थ निकले और वह स्वयं काम धेनु है, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ऐसी गौ माता का पावन दिन है, हम सिर्फ आज के दिन ही पूजा नहीं करें, नियम बना ले निरंतर। कुछ समय पहले एबीपी न्यूज पर भी कुछ गौ माता के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया था कि उसको हाथ लगने से, स्पर्श करने से बीपी ठीक हो जाती है, उसके संग में रहने से अस्थमा की बीमारी ठीक हो जाती है और यहाँ तक गौ माता ऐसा कल्याणकारी, हमारे जीवन में एक परमात्मा की देन है। वह 24 घंटे ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। हम सब प्रकृति को नुकसान पहुंचाए पर गौ माता हर अवस्था में हमारा भला करती है। वह देशी गौ जिसका आजकल बहुत प्रचार किया जाता है उसकी नस्ल ऊपर से खुबा होता है, कहते हैं उसमें सूर्य नाड़ी होती है। उस सूर्य नाड़ी से जब दूध निकालता है तो हल्का पीले कर का होता है और वह दूध हमारे लिए कल्याणकारक होता है। विदेशी गायों में नहीं पर देशी गाय में यह संस्कार है, चीजें हैं उनको सेवा करने से, उनकी संभाल करने से। देखो सेवा सबकी की जाए, संभाल सबकी की जाए, हर जीव सेवा के योग्य है पर हम अपने संस्कारों को भूले नहीं। जिन संस्कारों से हमें तरक्की मिली है, हम आगे बढ़े हैं, हमें उन संस्कारों पर चलना है। बहु माता की सेवा से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है, संतोष मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, ताप संताप दूर होते हैं, हृदय प्रफुल्लित रहता है, तृप्ति का अनुभव रहता है, ग्रह नक्षत्र अनुकूल रहते हैं और जिनके जीवन में संतान न हो, जिन्हें संतान की तकलीफ हो, वह सच्चे हृदय से गौ माता की सेवा करे। सिर्फ आज का दिन नहीं संपूर्ण वर्ष हम उस माँ की सेवा करें, उस माँ को तृप्त करें, वह माँ हमें आनंद से परिपूर्ण कर देगी, भर देगी। यह गोपाष्टमी का आज पर्व पुनः हमारे जीवन में आया है हमें संदेश देने। हम जागे उठे और उस गांव को, उस गाय को विश्व की माता बनाए। हम भूले नहीं, अपने संस्कारों को जागृत करें और यह कार्य अगर हम घर पे नहीं कर सके तो जो संस्था करती है हम उनसे जुड़े, अपने कर्तव्य को निभाएं। अगर भारत का हर एक नागरिक सच्चे हृदय से गौ के लिए प्रार्थना करें वह भी बड़ी सेवा है। अगर न कर सके, हम उससे अच्छा कुछ कर सके तो और भी अच्छी बात है। जो संस्थाएं करती हैं उनसे जुड़े, उनसे मिलके कुछ गौ माता के लिए, वह हमारी पूजनी है। कहते हैं महात्मा गांधी से पूछा गया तुम्हें आजादी चाहिए यह गोहत्या बंद हो, तो उन्होंने कहा पहले मैं गोहत्या बंद कराऊंगा। ऐसे पूजनीय महापुरुष जिन्होंने इतना सब कुछ स्वीकार किया, आज देश पुनः चाहता है, हम सब चाहते हैं कि उन्हें फिर से नव निर्माण हो, पर नव निर्माण के लिए आवश्यक है हम गौ माता की सेवा से जुड़े। तो आज का पावन दिन आया है, हम आज से सचेत बने, नित्य प्रति
गौ माता के लिए कुछ न कुछ निकाले जागृत हों, सबको जागृत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको गोपाष्टमी के पावन पर्व की अनंत अनंत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय गो माता, जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। प्रिय भक्तगण, आगे आप जानेंगे कि किसे गौ माता ने स्त्रियों को श्राप क्यों दिया था। प्रिय भक्तगण, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है और कई जगहों पर गाय माताओं की पूजा भी की जाती है। इस ब्रह्मांड में गाय ही एक ऐसा पशु है जिसकी पूजा, आराधना और सेवा करने से गरीब व्यक्ति अमीर बन सकता है। कि विधि पूर्वक पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो जाती है। प्रिय भक्तगण, गाय माता के पूरे शरीर में कई करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से गाय माता की पूजा करने से हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। गाय माता का वह कौन सा अंग है जिसे सिर्फ स्पर्श करने से व्यक्ति के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, और जो व्यक्ति गायों को दुख देता है, उन्हें मारता पीता है, उसे कौन सा दंड मिलता है, और किस कारण से गाय माता ने क्रोधित होकर समस्त स्त्रियों को श्राप दे दिया था। प्रिय भक्तगण, जी श्राप का सही स्त्रियां आज भी कर रही है। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तगण, एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक से देवर से नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास आकर रुक जाते हैं और भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। प्रिय भक्तगण, तब भगवान शिव जी देवर से नारद जी से कहते हैं, कहिए नारद जी, आप किस प्रयोजन से यूं अचानक ही पधारे हैं। तब देवर श्री नारद जी कहते हैं, हे जगत के कर्ता धर्ता, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो मेरे आने का उद्देश्य पता ही है कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ, लेकिन आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, हम आपकी दुविधा को समझते हैं। देवर्षि, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमें अपने प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तब देवर श्री नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैंने पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए देखा कि कुछ लोग गौ माताओं की पूजा कर रहे थे, उन्हें रोटियां खिला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं गायों को रोटियां खिलाने का महत्व जानना चाहता हूँ, और जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें कौन सा फल मिलता है। हे प्रभु, गाय का वह कौन सा अंग है जिसे सिर्फ स्पर्श करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तगण, देवर्ष नारद जी आगे कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि कुछ लोग गाय माताओं पर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें कष्ट दे रहे थे। हे प्रभु, मनुष्य इन बेजुबान जानवरों पर, गाय माताओं पर ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं? उन्हें ऐसा करने पर कौन सा दंड मिलता है, और वह कौन सा ऐसा श्राप था जो गाय माता ने समस्त स्त्रियों को दिया था। प्रिय भक्तगण, जिसे कलयुग की समस्त स्त्रियां भोग रही हैं, मेरी यह जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। तब भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भक्त नारद जी, आपके ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपने इन सभी प्रश्नों को पूछकर पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया है, लेकिन मैं आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, देवर्ष नारद जी, किसी समय की बात है, अवंतीपुर नामक नगर में गोपेश नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वह प्रतिदिन ईश्वर की पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं था। वह सुख पूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन कर रहा था।
लेकिन कहते हैं ना कि बिना सुख और दुख का मनुष्य बिना जल के मछली के समान होता है। इसलिए प्रिय भक्तगण, मनुष्यों के जीवन में सुख के साथ दोहक का आगमन होना ही चाहिए। उस सेठ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके जीवन में सिर्फ एक ही दुख था कि उसको अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह बहुत ही दुखी रहता था। उसने अपनी पत्नी को पता नहीं कितने वेदों और हकीमों को दिखा दिया था, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन गोपेश अपने किसी कार्य से किसी नगर की तरफ जा रहा था। तब उसने देखा कि एक तपस्वी महात्मा जी अपनी साधना में लीन है। तब वह गोपेश महात्मा जी के पास रुक जाता है। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद वे तपस्वी महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं, तो वह गोपेश नाम का सेठ और महात्मा जी से कहता है, हे विप्र, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ, कृपया आप मुझे इस कष्ट से निजात पहुँचाएं। तब वे महात्मा जी उस गोपेश नाम के सेठ से कहते हैं, हे मानव, तुझे किस बात का कष्ट है? तू तो बहुत ही धनवान लग रहा है, लगता नहीं है कि तुझे कोई कष्ट भी होगा। प्रिय भक्तगण, फिर वह गोपेश नाम का सेठ बड़े ही दुखी भाव से कहता है, हे त्रिका दर्शी, मेरे जीवन में केवल एक ही दुख है और वह यह है कि मेरे विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे विप्र, कृपया आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, और आप कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का उपाय भी बताएं, जिसे करने के बाद मुझे संतान का सुख मिल सके। तब वे महात्मा जी अपने अंतर मन की शक्ति से उस गोपेश नाम के सेठ के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं और क्रोध में उस सेठ से कहते हैं, अरे मूर्ख मानव, तूने एक घोर पाप किया है, और वह यह है कि याद है मैं तुझे, तू जब किसी नगर को जा रहा था तब एक वृक्ष के पास एक गाय अपने बछड़े के पास भूख प्यास से तड़प रही थी। तब तूने तो उस गाय को भोजन करवाया और न ही तूने उस गाय को प्रणाम किया था। उस गाय ने तुझसे सहायता भी मांगी थी, लेकिन तूने उस दिन उस गाय माता की पुकार को सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया था, और तेरी इसी उद्दंडता को देखकर उस गाय ने तुझे संतान न होने का श्राप दे दिया था। हे मानव, जो भी व्यक्ति गाय माताओं को कष्ट में देखकर उनकी सहायता नहीं करता है, उस व्यक्ति को घोर पाप लगता है। दोस्तों, भगवान शिव जी देवर श्री नारद जी से कहते हैं, हे देवर श्री नारद जी, इस प्रकार से उन महात्मा जी ने उस गोपेश नाम के सेठ को उसके पापों के बारे में बता दिया। तब वह सेठ रोते हुए कहता है, हे राम, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। मेरी वजह से एक गाय और उसके बछड़े को दुख सहना पड़ा। प्रिय भक्तगण, फिर वह गोपेश नाम का सेठ उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने इस पाप को सुधारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी इस उदंडता का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं, क्योंकि बात मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल सके। फिर वे महात्मा जी उस गोपेश नाम के सेठ से कहते हैं, हे धनेश, तुम दुखी मत हो। इसका उपाय यह है कि तुम मेरे आश्रम के समीप रहने वाली कालिंदी नाम की गाय की सेवा करो, उसकी पूजा आराधना करो। वह तुमको अवश्य ही पुत्र का आशीर्वाद देगी। प्रिय भक्तगण, फिर वे महात्मा जी उस गोपेश नाम के सेठ को एक मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुमको इस मंत्र का जाप करना है। अगर पहले ही बार मंत्र का जाप करने से वह कालिंदी नाम की गाय तुम्हारे पास आ जाती है तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, और अगर वह गाय किसी वजह से तुम्हारे पास नहीं आती है तो जरूर तुझसे पृथ्वी की सारी गाय माताएं रुष्ट हो गई है।
तब वह सेठ उस मंत्र का जाप करने लगता है। उसके पहली बार ही मंत्र का जाप करते ही वह कालिंदी नाम की गाय उस आश्रम में उसको पेश नाम के सेठ के पास आने लगती है। प्रिय भक्तगण, उस गाय को आता देखकर वे महात्मा जी बोले, हे धनेश, तू देख, तेरे केवल एक बार ही मंत्र का जाप करने से यह कालिंदी नाम की गाय स्वयं चलकर तुम्हारे पास रही है। तू बहुत ही भाग्यशाली है। यह गाय निश्चित ही तेरे सभी दुखों को दूर कर देगी। तू इस कालिंदी नाम की गाय को वन में चलाकर इसकी सेवा करना, जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करना और अपनी पत्नी से भी कह देना कि वह भी इस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करें, इसकी पूजा आराधना करें, जिससे प्रसन्न होकर यह गाय मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करे। दोस्तों, फिर वह गोपेश नाम का सेठ उन महात्मा जी को प्रणाम करके उस कालिंदी नाम की गाय को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, हमें संतान के लिए इस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करनी है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर से नारद जी, उसके दूसरे दिन की सुबह होते ही उस गोपेश नाम के सेठ की पत्नी उस गाय की पूजा करती है, उसे कुछ रोटियां खिलाती है। फिर वह सेठ उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर चला जाता है और उस दोस्तों फिर वह गोपेश नाम का सेठ उस गाय के शरीर पर बैठी हुई मच्छर मक्खियों को हटाने लगता है और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाने लगता है। इस प्रकार से उस सेठ को उस गाय की सेवा करते हुए जब शाम हो जाती है तो गोपेश उस गाय के साथ अपने घर लौट आता है। पहुँचते ही वह गाय जब अपने खुरों से धूल उड़ाती है तो गोपेश का शरीर पवित्र हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तगण, फिर गोपेश की पत्नी उसकी विधि पूर्वक से पूजा आराधना करती है और उसके चरणों में कई बार मस्तक झुकाती है, फिर उस कालिंदी नाम की गाय की प्रदक्षिणा करती है और हाथ जोड़कर वह उसके आगे खड़ी हो जाती है। फिर वह गाय उस गोपेश नाम के सेठ की पत्नी की पूजा को स्वीकार कर लेती है और गोपेश की पत्नी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर देती है। गाय की दृष्टि पड़ते ही उस सेठ की पत्नी पवित्र हो जाती है। प्रिय भक्तगण, इस प्रकार से उस गोपेश नाम के सेठ को उस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करते हुए 28 दिन बीत जाते हैं। फिर 29वें दिन जब गोपेश उस गाय को लेकर वन में चला जाता है और उस वन में पहुंचकर वह गाय वन के बीच में चली जाती है, जहां पर कई सारे पेड़ पौधे झाड़ियां और बड़ी बड़ी घास थी। वह गाय एक झाड़ी के पीछे छिपकर घास चलने लगती है। इतने में ही एक शेर पीछे से आकर उस कालिंदी नाम की गाय को बलपूर्वक दबोच लेता है। गोपेश को उस शेर के आने की आहट तक नहीं होती है। उस शेर के कसकर दबोचे होने के कारण वह कालिंदी नाम की गाय दर्द भरे स्वर में जोर से बोलने लगती है, हे से मेरी रक्षा करो, हे सेठ मेरी रक्षा करो। और जैसे ही गोपेश उस गाय की आवाज सुनता है वैसे ही वह दौड़ता हुआ उस गाय के पास पहुंच जाता है और वह देखता है कि एक खूंखार शेर ने काली नंदी नाम की गाय को बलपूर्वक दबोच रखा है। इस वजह से उस गाय के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है तो गोपेश बहुत ही दुखी हो जाता है और एक हाथ में डंडा उठा लेता है। प्रिय भक्तगण, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, जब गोपेश डंडा उठाता है उस समय वह उस शेर की तरफ नहीं देख रहा होता है, लेकिन उसी समय जब वह उस शेर की तरफ देखता है तो उस शेर की दृष्टि पड़ते ही गोपेश का शरीर कांपने लगता है, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। प्रिय भक्तगण, फिर वह शेर गोपेश से ऊंची आवाज में कहने लगता है, हे धनीश, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं।
इसीलिए तो मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जा। शायद ईश्वर ने मुझे इस गाय को भोजन के रूप में भेंट किया है, इसीलिए तो मुझे परेशान मत करो। तुम अपनी जान बचाकर तुरंत ही यहाँ से निकल जा। फिर गोपेश उस शेर से कहता है, हे मृगराज, कृपया आप इस गाय को न मारे। एक बहुत ही तपस्वी महात्मा जी ने मुझे मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए दी है। मित्र, कृपया आप इसकी हत्या ना करें, क्योंकि इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा और इसका एक छोटा बच्चा भी है जो घर पर इसका इंतजार कर रहा है। उन महात्मा जी ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए हिमराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए। इसके बदले में मैं अपने आप को अपना पूरा शरीर समर्पित करता हूँ। प्रिय भक्तगण, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए और इससे उन महात्मा जी के आदेश का पालन भी हो जाएगा, मेरे द्वारा गाय की रक्षा भी हो जाएगी, साथ ही साथ गाय माता की रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। गोपेश उस शेर के सामने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके बैठ जाता है। फिर अचानक से गोपेश के कानों में एक स्वर सुनाई देने लगता है, कहे, पुत्र उठो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। यह सुनकर गोपेश उठकर खड़ा हो जाता है और वह अपने सामने उस गाय को देखता है और मन में सोचते हुए कहता है, वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जिसने आपको बलपूर्वक दबोच रखा था। प्रिय भक्तगण, भगवान शिव जी कहते हैं। तब वह कालिंदी नाम की गाय गोपेश से कहने लगती, हे पुत्र, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण कर लिया था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि संकट में पड़ने पर तुम अपने प्राण बचाते हो या तुम मेरे प्राण बचाते हैं। मैंने ये कैसे किया यह तो यमराज जी भी नहीं जान सकते हैं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए। तुम मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण संकट में डालने के लिए तैयार हो गए थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्र, अब तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? पुत्र, वह कहो, अवश्य ही तुम्हारी उस मनोकामना को पूर्ण करूंगी। वह गोपेश नाम का सेठ कहता है, हे गौ माता, मेरी केवल एक मनोकामना यह है कि कृपया आप मुझे संतान प्राप्ति का सुख प्रदान कीजिए। फिर कालिंदी नाम की गाय माता ने कहा, हे पुत्र, तुम एक पत्ते के धोने में मेरा दूध लेकर अपनी पत्नी के साथ पान करो, इससे तुम्हें धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। वह गोपेश नाम का सेठ कहने लगा, हे गौ माता, मैं आपके इन मधुर वचनों को सुनकर बहुत ही मुग्ध हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए दोस्तों, मैं आपकी पूजा करके आपको भोजन करता हूँ और सभी प्रकार के अनुष्ठानों को पूरा करके आपके अमृत समान दुग्ध का पान करता हूँ। उसके बाद वह गोपेश नाम का सेठ उस गाय को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने पर उस सेठ की पत्नी आगे आकर उस गाय की पूजा पाठ करने लगती है। तब उस गाय ने गोपेश की पत्नी से कहा, हे पुत्री, तुम मेरी पीठ को स्पर्श करो, इससे तुमको अत्यंत गुणवान धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। फिर उस सेठ की पत्नी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। गोपेश और उसकी पत्नी उस गाय की विधि पूर्वक पूजा आराधना करती है और उस गाय माता के अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण करती है। फिर वे दोनों और महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं।
तब वे महात्मा जी उन दोनों की खुश देखकर कहने लगते हैं, हे धनेश, अब यह गाय तुम दोनों से बहुत ही प्रसन्न है, अब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन खिलाता है, उसकी पूजा आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और जो भी व्यक्ति गाय की रक्षा करता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता है, और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक गाय का दूध पीता है उसे कोई बीमारी नहीं होती है, और जो व्यक्ति गाय की पीठ को स्पर्श करता है उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति गाय को एक रोटी खिलाता है, मित्र, वह व्यक्ति नरक की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्य और यश को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। आठ, हमें गाय माताओं की सेवा आराधना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य को 7 पीढ़ियों तक मनुष्य योनि में जन्म लेने का सुख प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगण, गाय माताओं की सेवा करने वाला व्यक्ति रण से राजा भी बन सकता है। प्रिय भक्तगण, भगवान शिव जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी इस प्रकार से गोपेश के द्वारा उस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करने से उसे एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगण, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देव श्री नारद जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और आपका दूसरा प्रश्न यह था कि जो व्यक्ति गायों को मारता पीटता है उन्हें कौन सा धन मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि उन व्यक्तियों को ऐसा करने पर सीधा नरक की प्राप्ति होती है, और ऐसे व्यक्तियों को स्वर्ग और नरक देव यमराज जी कई वर्षों तक कुंभ ही पाक नरक में डालकर खोलते हुए तेल के घड़े में पकाते हैं। प्रिय भक्तगण, भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि गाय माता ने समस्त स्त्रियों को वह कौन सा श्राप दिया था जिसे आज भी स्त्रियां भोग रही हैं। दोस्तों, फिर देवर से नारद जी की बातों को सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक और ज्ञानवर्धक कहानी सुना होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप उस कहानी को सुनाना आरंभ करें। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। प्रिय भक्तगण, भगवान शिव जी कहते हैं, किसी समय की बात है, किसी नगर में श्याम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने अपने घर में गाय को पाल रखा था। वह गाय उसे प्रतिदिन ढेर सारा दूध देती थी, जिसे बेचकर वह अपनी आजीविका चलाता था, और उस गाय का दूध बहुत ही अच्छा होने के कारण उसे बहुत मुनाफा भी हो रहा था। इसलिए वह उस गाय को प्रतिदिन वन में चलाने के लिए ले जाता था, और शाम होने से पहले उस गाय को घर ले आता था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वह गाय दूध देना बिल्कुल बंद कर देती है, जिसके कारण शाम को भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। एक दिन शाम उस गाय से परेशान होकर उस गाय को घर से निकाल देता है, और जब वह गाय शाम के घर में घुसने लगती है, वैसे ही उस गाय को डंडों से पीटने लगता है, जिससे वह गाय बहुत ही दुखी रहने लगी थी, और वह अपने मालिक को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन उसका मालिक ही उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता था। प्रिय भक्तगण, इस वजह से वह गाय श्याम के घर में जाना छोड़ देती है, और वह एक वन में जाकर रहने लगती है। उस वन में चारों तरफ हरी हरी घास थी, जिसे खाकर वह गाय अपना पेट भर लेती थी, और एक पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेती थी। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन जब वह गर्भवती हो जाती है तो उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है,
किंतु वह किसी तरह से उन कष्टों को सहती हुई अपने जीवन का यापन करने लगती है। उसी वन के समीप में एक नगर पड़ता था। उस नगर में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी। उसके लालची स्वभाव से वह किसान भी बहुत ही परेशान रहता था। प्रिय भक्तगण, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर श्री नारद जी, एक दिन जब उस गाय को गर्भवती के 9 महीने बीत जाते हैं, तब अचानक से उसे तीव्र पीड़ा शुरू हो जाती है और वह उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती है, लेकिन किसी तरह से वह उस पीड़ा को सहन कर लेती है और वह गाय एक सुंदर से बछड़े को जन्म दे देती है। उस बछड़े को जन्म देने के बाद वह बछड़ा बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि उस गाय ने गलती से अपने बछड़े को कीचड़ में जन्म दे दिया था और वह गाय अपने बछड़े को हिंसक जंतुओं से बचाने के लिए उसे अपने पीठ पर रखने का प्रयास करने लगती है, लेकिन वह ऐसा करने में बार बार असफल हो रही थी, जिससे वह गाय बहुत ही दुखी हो गई थी। तभी अचानक से किसान की पत्नी किसी कार्य के लिए उस वन में पहुंच जाती है, जहां पर वह गाय अपने बछड़े को हिंसक जंतुओं से बचाने के लिए उस बछड़े को अपनी पीठ पर रखने की कोशिश कर रही थी। प्रिय भक्तगण, जब किसान की पत्नी ने देखा कि उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है और उसके आसपास कोई भी नहीं है, तो किसान की पत्नी के मन में लालच जाग उठता है और वह अपने मन में सोचने लगती है कि चलो मैं इस गाय को अपने घर ले चलती हूँ, यह मुझे ढेर सारा दूध देगी, जिससे मैं बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूंगी। ऐसा सोचकर जैसे ही वह स्त्री उस गाय की ओर जाने लगती है, तब उस गाय ने देखा कि उसके पास एक सुंदर सी स्त्री तीव्र गति में चलती हुई आ रही है। फिर उस गाय ने उस किसान की पत्नी से कहा, स्त्री आप कृपया मेरे इस बच्चे को मेरी पीठ पर रख दो, क्योंकि यह अभी बहुत ही छोटा है और 9 महीने बाद चलने लगेगा। उस गाय को यह पता नहीं था कि उसका बच्चा जन्म लेने के बाद चलने लगता है और उस समय मनुष्यों के बच्चे भी पैदा होते ही चलने लगते थे। उस गाय को यह बिल्कुल भी पता नहीं था। उस गाय की बातों को सुनकर वह किसान की पत्नी को हंसी आ जाती है और वह हंसते हुए उस गाय से बोली, तुम्हारे इस बच्चे को देखो तो ये कितना गंदा हो गया है, इसके ऊपर बहुत मिट्टी भी लगी हुई है। प्रिय भक्तगण, अगर मैं इसे तुम्हारे पीठ पर रखूंगी तो मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। तभी क्रोध में आकर उस गाय ने उस किसान की पत्नी को श्राप देते हुए कहा कि हे मूर्ख स्त्री, तू मेरे बच्चे को मेरी पीठ पर रखने में हिचकिचा रही है और तू मेरे बच्चे को गंदा कह रही है। आज से समस्त स्त्रियों को यह श्राप देती हूँ कि अब मनुष्यों के बच्चे भी मेरे बच्चे के ही तरह पूरे 9 महीने बाद चलेंगे और जितने भी पशु पक्षी हैं उनके बच्चे पैदा होते ही चलने लगेंगे। प्रिय भक्तगण, भगवान शिव जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी, इस प्रकार से गाय माता के श्राप को कलयुग की स्त्रियों को भी भोगना पड़ रहा है। प्रिय भक्तगण, ऐसा पहले नहीं था। पहले मनुष्यों के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे। सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है। कलयुग में मनुष्यों के बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते हैं। प्रिय भक्तगण, इसका कारण यह है कि गाय माता ने क्रोध में आकर समस्त स्त्री जाति को एक भयानक श्राप दे दिया था। उस दिन से समस्त स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने की प्रक्रिया वहीं पर रुक गई थी और गाय माता के श्राप के कारण कलयुग में स्त्रियों के बच्चे 9 से 10 महीने के बाद ही अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं और गायों के बच्चे उसी दिन से पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने लगते हैं। इसलिए किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए,
दूसरों के दुख में दुखी हो जाना चाहिए और दूसरों के काम में आना चाहिए और साथ ही पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। एक स्त्री की गलती की वजह से कलयुग की समस्त स्त्रियों को गाय माता के श्राप का फल भोगना पड़ रहा है। प्रिय भक्तगण, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर से नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं और आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे देवलोक में अवश्य करूँगा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बलबीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।